लकड़ी या प्लास्टिक इहदे मुकाबले अगर देखा जाए तो लोहा जिहड़ा उहदी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होंदी है। थर्मल कंडक्टिविटी हुण चूंकि लोहे की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा वा तो लकड़ी या प्लास्टिक की घट वा। जो असीं हाथ लाने ना लोहे नूं तो साढ़े हाथ जिहड़ी ते उंगल की जिहड़ी गर्मी होंदी ना जिहड़ी हरारत होंदी आ उह लोहे के जरिए ना अगे मुंतकिल हो जाती है क्योंकि उहदी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा वा उन्हें हरारत को छेती मुंतकिल कर देना वा। लेकिन जो असी लकड़ी नू या प्लास्टिक नू हाथ लाने तो उहदी थर्मल कंडक्टिविटी घट होंदी आ उह हरारत अगे मुंतकिल नहीं होंदी उह हरारत उत्थे ही रहिंदी आ। तो जो हरारत उत्थे ही रहिंदी आ तो वह सानू चीज़ गर्म महसूस होंदी आ। लेकिन अगर लोहे की कोई चीज़ होएगी तो उस चूंकि साडी हरारत अगे मुंतकिल हो जाणी आ लिहाजा वह जगह तुहानू की महसूस होएगी ठंडी महसूस होएगी। हालांकि दोवां दा जिहड़ा दर्जा हरारत आ यानी कि टैंपरेचर आ ना वह इक्को ही हुंदा वा। वो बेशक तुसीं उहदी मैच कर लो एक जगह लकड़ी पई है एक जगह लोहा पिया वा टैंपरेचर यानी कि दर्जा हरारत दोनों का इक्को ही होएगा। लेकिन तुहानू लकड़ी जिहड़ी आ घट ठंडी महसूस होएगी तो लोहा जिहड़ा वो ज़्यादा ठंडा महसूस होएगा। वजह उही है जिहड़ी मैं दस दित्ती आ फर्क कहदा वा थर्मल कंडक्टिविटी कहदा फर्क आ थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी गुड। मैं उम्मीद करदा कि तुहानू गल समझ लग गई होएगी। थैंक यू।